हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। तो इसके लिए हमने ऑयल ले लिया है, दो ऑनियन ले लिए हैं हमने मीडियम साइज के, कैप्सिकम, मटर मटर के दाने, आलू, दो आलू, हरी मिर्च, गाजर ली है, टमेटो, हरा धनिया। ये पोहा हमने भिगो के वॉश करके भिगो के रख लिया है, और कुछ पीनट्स। तो सबसे पहले हम डाल राई, जीरा, उसके बाद हम डालेंगे आलू, हम डाल देंगे मटर के दाने, आलू हमारे पक चुके हैं, हमने उसके बाद मटर के दाने डाले हैं, 2 मिनट अच्छे से हिलाएंगे, गाजर डाल देते हैं, मम्मा पोहे में गाजर भी डलती है? हाँ, इन्हें 2 मिनट हिलाएंगे अच्छे से गाजर को भी। हाँ, देखने में फोन के अंदर से और बाहर से लाइट पड़ रही है और भी चमक रहे हैं ये मटर। तो टमेटो, टमेटो के साथ ही नमक भी डाल देंगे। पहले हमने नमक डाला था आलू के अकॉर्डिंग, अब हम नमक डालेंगे सब्जियों के अकॉर्डिंग, और पोहे का नमक अलग, पोहा के अकॉर्डिंग अलग डालेंगे। ये हमने सब्जियों के अकॉर्डिंग डाला है, अभी पोहा में अलग से डालेंगे हम नमक। हमने डाल दिए कैप्सिकम, और ये तो कट करना भूल गई, इसे को अच्छे से पका लेंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे, ये मैं और भी कम हल्का सा धनिया भी डाल देंगे। आप तो फटाफट कर पाई हो ना, होती आपके बजाय थोड़ा नमक पोहा में भी डाल देंगे। सब्जियों को पका लेंगे अच्छे से, सब्जियां थोड़ी पक जाएगी उसके बाद। सब्जियां हमारी पक चुकी है, अब हम पोहा डाल देंगे। कितना नमक हो रहा है, कितना ज्यादा। अब इसे मिक्स कर लेंगे। वैसे मैं हलवा भी खाऊंगी, अब दोनों वीडियो एक साथ जोड़ दोगी क्या? ये बहुत यम्मी। ऐसे हिलाते हुए पकाएंगे, मिक्स करेंगे, साथ में पक भी जाएगा। ऐसे हिलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर पोहा हमारा बनकर तैयार है। गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। वाह, मेरे मुंह में तो देंगे कुछ पीनट्स। गर्मा गर्म सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में भी बताना। हमारा बनकर तैयार है, अब हम बनाते हैं साथ में बेसन का हलवा। मीठा भी हो जाएगा और नमकीन भी हो जाएगा। तो बेसन के हलवे के लिए मैंने 1 ग्लास दूध गर्म कर लिया है। 1 ग्लास दूध में मैंने 1/2 ग्लास से थोड़ा कम पानी डाला है और इसे बॉईल कर लिया है। इसे नीचे उतार देते हैं अब, और अब कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में घी डाल दिया है, गैस ऑन करते हैं।
घी मेल्ट होने देते हैं। घी मेल्ट होगा उसके बाद में हम बेसन डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम बेसन डालेंगे। हम बेसन को कंटिन्यू चलाते रहेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, करते हैं। बेसन से महक आने लगी है और बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है, यही पहचान है कि हलवा की बेसन हमारा पककर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध, इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही छोड़ेंगे तो यह हमारा बेसन लग सकता है कढ़ाई में, तो हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे और कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ताकि हलवे में गुठलियाँ ना बने। हलवे में दूध सारा सूख चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे चीनी डाल देंगे, कंटिन्यू इसे हिलाते रहना है, दूध डालने के बाद में छोड़ना नहीं है। अब हम चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसे कंटिन्यू हम हिलाते रहेंगे। जब तक हिलाएंगे तब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। हलवा हमारा बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।